हेलो दोस्तों, आदाब। आज हम बिदारी के समाथल में हैं और आज हम एक ऐसी शख्स से रूबरू कराएंगे जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो कृषि पंडित के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है श्री रघुपत सिंह जी, जो लगभग 32 अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें 13 नेशनल हैं और 19 राज्य। और अब संभावना लग रही है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिलने की संभावना है। आप देख रहे हैं कि ये इनके गांव में ये पूरा नज़ारा देखिए, जिसमें हर चीज़ कई प्रकार से पाई जाती है, जैसे राजमा हुआ और सेम है, मिर्च है, रतालू है, आलू है, अरबी है और आम है। और इसके अलावा जो इनके पास, हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे जिसमें अरबी और आम, अदरक, कई तरह के मिर्चों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। और हम इनसे खुद बात करेंगे कि ये लगातार कब से इस फील्ड में हैं और इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक इन्हें जाना जाता है। तो आइए, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है जी। बताइए, आप इस शोध क्षेत्र में कब आए और आपने कैसे शुरुआत की? ये सन 1984-85 में, मतलब मैं कानपुर गया था पहली बार। तो हमारे पिताजी बोले, भाई कानपुर का चना बहुत बढ़िया होता है और जितनी भी वैरायटी कानपुर से आती है और यहाँ कहीं नहीं होती है। तो मैं गया उस समय वहाँ पर, मुझे कानपुर में वहाँ एक साइंटिस्ट थे त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि भाई राजमा लगा कर देखो, ये रबी में बोया जाता है। तो मैं PD-814 राजमा लाया और एक आज़ाद मिर्च No. 1 कानपुर विश्वविद्यालय से ली। सेलेक्शन है कैसे कैसे किया जाए और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा। अच्छा, जैसे जो लोग आपके सब्जियों का स्वाद लेते हैं तो क्या वो दोबारा डिमांड करते हैं? नहीं, जो सब्जियां हमसे लेते हैं, दिल्ली में तमाम रिसर्च में वगैरह में दिया है, तो वो उसको लाइक करते हैं कि हाँ भाई, आपकी जो अरबी है गुच्छे वाली, उसका पत्ता इतना स्वाद है कि इन और अरबियों को नहीं है और उसे आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, देश भर में कोई भी एग्जीबिशन होता है तो आपको बुलाया जाता है? लगभग अब तक मेरा 32-33 कृषि विश्वविद्यालयों से जो हिंदी भाषी हैं उनमें संबंध और जान पहचान है और मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा, अब वर्तमान समय में आपके पास क्या है सर रोचक? सर रोचक ये है, देखिए राजमा है सामने खड़ा हुआ है और इस राजमा में देखिए आप अलग अलग तरह से हम शोध कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए कि ये वो है। तो इसमें आपसे डिमांड की जाती होगी कि आप जो इस तरह की फसल उगा रहे हैं तो उसका जो है, हाँ उसके लिए हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय है का सब्जी अनुसंधान वाराणसी दिल्ली, जो यूनिवर्सिटी इस सब्जियों पर उन पर काम करते हैं तो उन्हें बताते हैं ये चीज़ ऐसे निकल कर आई है और वहाँ देते हैं तो उसको पता चल जाता है। ये जो सामने है अंजीर का पेड़ है, अगर यहाँ पर कोई आदमी अंजीर की खेती करना चाहे तो अगला महीना जो है फरवरी में इसकी टहनी लगा करके पौधे तैयार कर सकता है। ये सबसे बढ़िया है, कहीं पौधा लेने की ज़रूरत नहीं, इसकी टहनी ही आराम से हो जाती है। और उस टहनी को लगाते समय इतना ख्याल रखें कि काट करने के बाद में नीचे से हल्दी लगा दो, पिसी हुई हल्दी लगा दो तो उसकी जड़ से और रोग नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबसे उसके बराबर में या अंजीर के बराबर में ही एक सेब का पेड़ है, 3 वैरायटी है ये हिमाचल की और ये बहुत बढ़िया पैदावार बड़ा सेब है, ये 4 साल बाद मतलब हो फल आना शुरू होता है लगने के। अच्छा, एक क्वेश्चन लेंगे आपसे, आपके जीवन भर की ये मेहनत और तमाम आपने शोध किया, 4 साल बाद मतलब हो फल आना शुरू होता है लगने के। अच्छा, एक क्वेश्चन लेंगे आपसे, आपके जीवन भर की ये मेहनत और तमाम अपने शोध किया, तो ये शोध के रूप में आप किसको देना चाहेंगे? अपने परिवार से कुछ लोग जुड़े हुए हैं? नहीं ना, परिवार से लोग जुड़े हैं और भी चेले बनाए हैं तो उनको भी हम सिखाते हैं कि भाई ऐसा करो। कई लोगों को अपने उस पर उसे कराया गया है कि भाई ये जो काम कर रहे हो हम आपको सिखाने तैयार हैं, फिर ही आपको कोई आदमी
सीखना चाहता है तो फिर ही आपको उनको पूरी सलाह देंगे और उसे काम करने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उसे मटेरियल भी देंगे। वैसे आज के युवा मेहनत करने से कतराते हैं बहुत से, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं, तो आप कितना उन लोगों को जागरूक करते हैं? नहीं, डेवलप ये है कि मैंने अभी दिल्ली गया था, गुड़गांव गया था, तो वहाँ मैंने देखा MBA करके आ करके वो कृषि में आ रहे हैं, यहाँ का लड़का जो पढ़ा लिखा है वो सोचता है कि मैं नौकरी करूँ, क्योंकि MBA वाले को ये पता है कि इसमें खेती में बहुत ही चीज़ें ऐसी निकल कर अब आ रही हैं जिससे और तमाम अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, और इसको इसका टेस्ट अलग है, इसमें चिपकापन नहीं है बिल्कुल, और ये ऑर्गेनिक में तैयार है, ये खुले आसमान का है और ये नीम के पौधे के नीचे का है, तो ये उससे ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो वैरायटी है ये गुच्छे वाली है, यहाँ पर कहीं नहीं है, इसको एक नए उससे शोध किया गया था और शोध करने के बाद में इसको एक बार में एक एक पेड़ में ये एक एक डेढ़ डेढ़ किलो तक निकलती है, यूँ करे गुच्छा होता है पूरा का पूरा। तो ये अपनी देसी वाली प्रजाति है जो आजकल आम मार्केट में मिलती है, और इसमें भी ये दो तरह की है, ये वैरायटी अलग है और ये अलग है, देसियों भी ये दो तरह की वो है, और इसको करने के लिए अलग अलग इसका टेस्ट अलग है बिल्कुल। पैदा होने में ये लगाई तो फरवरी में है ये, और ये फरवरी के बाद में ये अगस्त में तैयार हो जाती हैं सब। इसका रेट क्या है, किस रेट बिकती है? ये रेट में ज़्यादा बिकती है, अभी इसको देखा तो हमने और वैरायटियों से रेट यहाँ बढ़िया, इसका टेस्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, इनमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसमें नहीं है, इसे हर व्यक्ति खा सकता है, इसे नहीं खा सकता देसी वाली को। अच्छा, आपकी सब्जी जो है इसकी डिमांड रहती है? डिमांड रहती है, अभी दिल्ली में इसको सबसे ज़्यादा मांग है, क्योंकि आज आदमी केमिकल से भाग जाए, ये ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा पैदावार देती है, वो ऑर्गेनिक में कम पैदावार देगी देसी जो प्रजाति। तो इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल है? जैविक खाद का इस्तेमाल है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और इसको अलग अलग तरह से इसको बनाया जा सकता है। आपके हाथ में ये राजमा है, तो इसके बारे में क्या क्या? ये हमने संरक्षण किया है इसका, पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह की प्रजातियाँ हैं, और अब तक 32 वैरायटियाँ हमारे पास है, ये उसका मिक्सचर है, हर वैरायटी इसमें मौजूद है थोड़ी थोड़ी, और मिक्सचर ही ज़्यादातर यहाँ लगाते हैं, वो हर प्रजाति का पता चल जाता है, इसमें क्रॉसिंग होता नहीं है, और ये बराबर में रखी हुई हैं ये तमाम वैरायटियाँ हैं, और खेत में भी इनकी लगाई गई हैं, और ये वो वैरायटियाँ हैं जो देश के अंतर्गत जगह जगह भागों से इकट्ठी की गई हैं। इसमें कितनी वैरायटी लगवाई है? ये यहाँ इस समय तो ये कम है, वैसे मेरे पास 32 वैरायटियाँ खेत में लगी पड़ी हैं, और इसमें कुछ धनिया की हैं और चुकंदर भी है, ये वैरायटी जो यहाँ हो जाए उनको टेस्टिंग के बाद में यहाँ देखते हैं जो हो सकती हैं उनको यहाँ दिखाया गया है। आप वर्ष में कितनी पैदावार कर लेते हैं राजमा की? वर्ष में ये है कि इनका हम ये देखते हैं इन राजमाओं को कि ये वैरायटी कहीं से बाहर से इकट्ठा करते हैं तो उनको यहाँ उत्पादन करके देखा जाता है कि हो सकती है नहीं हो सकती है। आप और करते हैं? हाँ, शोध करते हैं, ये काम 34 वर्ष से लगातार चल रहा है, और ये सब जैविक में ही कार्यक्रम है। तो इसका जो है शोध करते हैं? हाँ, तो अलग सबका अलग अलग स्वाद होता है। हाँ, इनका स्वाद अलग है, और सबका थोड़ा थोड़ा, कहीं से 50 बीज मिले, कहीं से 100 मिले, कहीं से 200 ग्राम मिले, तो उसी आधार पर इनका वो होता है। कहीं आपने एग्जीबिशन में इसको? नहीं, मैंने दिल्ली भी लगाया है, लखनऊ भी, जगह जगह जाता हूँ, और इस पर मुझे 13 नेशनल अवार्ड मिले हैं अब तक, वैसे 33 पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसे आप? ये लौकी का दिखाया आपने, तुरई है, करेला है, गुच्छेदार तुरई है, और काशी फल है, ये इस समय की है, मेथी है, पालक है, गाजर है, ये सारी वैरायटियाँ जो होती हैं, कुछ बनाते भी हैं और कुछ बाहर से आती हैं। राजमा की तो रही, तुरई की हैं 7 वैरायटी, मिर्च की हैं 7-8 वैरायटी, और उसमें जो कुछ खेत में खड़ी हैं उन्हें दिखाया जाएगा कि ये इस तरह की मिर्च की वैरायटी अलग अलग है।
ये एक सेम है, बड़ी वाली सेम। और ये हमारे पास हमारे पिताजी वगैरह पहले उगाते थे, तो ये 70 साल से तो मैं देख रहा हूँ। और ये इसलिए लोग इसे खाते थे कि इसके खाने से जोड़ों का दर्द, पेट के रोग इसमें काम आती थी। पुरातन काल में इसका फिर बीज इस्तेमाल करते थे उबाल करके, तो ये बड़ा लाभकारी चीज़ है। देखो ये लग रही हैं ऊपर, देखो तुम लाइन से हैं, देखो कितनी हैं वो, अगर आ जाए तुम्हारी उस पर देखो। ये छाया में बढ़िया होती है, अब आप समझ लो। पीछे पॉलीथिन के द्वारा ज़मीन पर काली पॉलीथिन बिछा करके उसमें जगह जगह पौधे लगा दो, तो आपकी पैदावार भी ज़्यादा रहेगी, रोग रहित और तमाम अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। कोई भी फसल है, सब्जी वर्गीय है, जो कद्दू वर्गीय है, वो भी हो सकती है आराम से। कि हमारे बीच कृषि पंडित श्री रघुपत सिंह जी ने काफ़ी हमें विस्तार पर बताया, और आज के युवाओं को इस फील्ड में भी आना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छा खासा फील्ड है। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।